हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपको भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे एलएनटी की तरफ से। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से। यहाँ पे रिसेंटली बल्क में हायरिंग निकाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 1500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अगर आप रिसेंटली पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अप्रॉक्स ऑल ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इवन यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, ये आपका फॉर्म रहेगा फ्री का। तो यहाँ पे हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। और वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैं वीडियो के अंदर आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देख लीजिएगा। आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इवन आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा और आपका सैलरी क्या रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आपका सीटीसी क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू के बेस पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका ऑनलाइन मीडिया में देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप यहाँ पे आप सिलेक्टेड होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो आपकी मेल आईडी रहेगी उस पर आपको गूगल मीट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको अपने इंटरव्यू को देना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का जो टारगेट रहेगा आपका 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटीआई किया है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। इवन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप के जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं अक्सर यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, वो सारी अपडेट यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एलएनटी की तरफ से। यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बल्क में हायरिंग देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है वो पोस्ट आउट की गई है लिंक्डइन के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री का ये ऐप आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल क्रिएट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको टोटली इसका पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। साथ ही साथ बात की जाए वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी दीक्षा जैन जी के द्वारा वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है, जो कि यहाँ पे एचआर आपको देखने को मिलेगी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ये एचआर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ ये वैकेंसी एक दिन पहले ही पोस्ट आउट किया गया, लेटेस्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक को दे दिया है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, इवन मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां पे भी जाके चेकआउट कर पाएंगे। और जो इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, वो आपका 12 फरवरी शाम को 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी से पहले ही इसको अप्लाई कर देना है, फिर बाद में एरर आएगा, तो आप इस चीज को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब बात की जाए यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे भी जो वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है वो पोस्ट आउट की गई है दीक्षा जैन जी के द्वारा, वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट आउट की गई है, जो कि आपको एचआर देखने को मिलेगा।
एक दिन पहले का ही वैकेंसी है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि एमईएम टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बीबीटेक भी कर रखा है सिंपली तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, यहाँ पे अप्लाई लिंक दे दिया है जिसको मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट रहेगा लास्ट का, वो आपका 12 फरवरी 2023 रहेगा, और 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वन बाय वन दोनों के अंदर कैसे को अप्लाई करना है उसके पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि डिप्लोमा कैंडिडेट को कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले यहां पे आता है कि आपको अपना फुल नेम को डाल देना है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को यहां पे मेंशन कर देना है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, वही ईमेल आईडी डालिएगा जो कि एक्टिव है, जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपका यहां पे सिलेक्शन होता है तो आपको जो रिवर्ट मेल आएगा उसी ईमेल आईडी पे आएगा जो कि आपने यहां पे पुट की होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि आपकी ईमेल आईडी वही हो जो कि आपके अपने रिज्यूम और सीवी के अंदर आपने डाली हो, वही ईमेल आईडी यहां पे डालिएगा। साथ ही साथ बात की जाए, यहां पे आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल देना है, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके यहाँ पे 10th में जितने भी परसेंटेज है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपने 10th कब पास की थी उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके यहाँ पे डिप्लोमा के परसेंटेज आ जाएंगे। अब बात की जाए, जो मेरे भाई बहन 2023 के अंदर पास आउट होने वाला है वो क्या करेंगे, तो उस चीज़ का आपको मैं बता देता हूँ कि आपके 5th सेम के अंदर जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स अभी तक आए हैं 5th सेम तक, उसको आपको आपका एग्रीगेट जो रहेगा 5th सेम तक उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1st सेम से लेके 5th सेम तक जितने भी आपके एग्रीगेट मार्क्स आए हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 2023 वाले और 2022 वाले, उससे पहले वाले अपने जितने भी परसेंटेज आपने गेन किए हैं डिप्लोमा के अंदर उसको आप यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर कौन सा है, लाइक 2023 है, 2022 है, 2021 है, 20 है, जो भी है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन को मेंशन करना है, लाइक आपने जिसमें डिप्लोमा किया है, लाइक सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, CSIT, जो भी ब्रांच है आपकी उसको आप यहां पे डाल सकते हैं। देन फिर यहां पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आर यू अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, तो आपको यहां पे यस पे क्लिक करना है। साथ ही साथ यहां पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। देन फिर फाइनली यहां पे दे रखा है आपका सबमिट वाला ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो रही बात है आपके डिप्लोमा कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है। अब बात करते हैं यहां पे बीबीटेक वालों को कैसे अप्लाई करना है। देखिए मैंने आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, वहां पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले यहां पे देख पा रहे हैं कि आपको अपने फुल नेम को डालना है, और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और वही ईमेल आईडी को डालिएगा जो कि आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं। मोबाइल नंबर को आपको यहां पे डाल देना है, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आप यहां पे डाल सकते हैं। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, करंट लोकेशन आपकी जो भी है उसको आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, करंट लोकेशन का स्टेट जो भी है उसको आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, 10th में जितने भी परसेंटेज है उसको आप यहां पे डाल सकते हैं। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, 10th में जितने भी आपके जो भी पासिंग ईयर है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, 12th में आपके जितने भी परसेंटेज है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन सा है 12th का उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, बैचलर कॉलेज नेम कौन सा है, मतलब कि बीबीटेक आपने कहाँ से किया है या फिर कहाँ से करने वाला है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के अंदर आपकी जो भी ब्रांच है बीबीटेक के अंदर उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके बीबीटेक के अंदर जितने भी परसेंटेज है 7th सेम तक उसको भी डाल सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास आउट के परसेंटेज है बीबीटेक के अंदर उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि आपके बीबीटेक का पासिंग ईयर कौन सा है, 2023 डाल सकते हैं, 2022 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं, जो भी पास आउट ईयर है वो आपका यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपने एमईएम टेक कहाँ से कर रखा है, तो अगर आपने एमईएम टेक कर रखा है तो उसका यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्पेशलाइजेशन पूछा है एमईएम टेक का तो आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं अगर आपने एमईएम टेक नहीं किया है तो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपके एमईएम टेक में कितने परसेंटेज है, आप यहाँ पे 0% फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एमईएम टेक नहीं किया है तो आप यहाँ पे जितने भी 0% या फिर NA फिल कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कर रखा है तो आप जितने भी परसेंटेज है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पासिंग ईयर के अंदर आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे,
यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आर यू अवेलेबल टू ज्वाइन इमिडिएटली, तो आपको यहाँ पीएस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। देन फिर फाइनली आपको अपने सीवी रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर देना और सबमिट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आपको फाइनली इसको सबमिट कर देना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।